आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। मध्य प्रदेश के उमरिया में लंबे समय से अपनी पैठ जमा चुके शराब माफियाओं के अवैध कारोबार पर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देशानुसार की जा रही नियमित कार्यवाही से माफियाओं में हड़कंप मच गया है। आबकारी विभाग के द्वारा अवैध शराब के निर्माण और व्यापार में लगे लोगों पर दबिश दी जा रही है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय से निकलने वाली उमराड़ नदी में आबकारी विभाग के द्वारा कार्यवाही की गई और गोताखोरों की मदद से महरोई टोलवा सरैया घाट से लगभग 13.5 क्विंटल महुआ लहान के साथ 25 लीटर हाथ भट्टी मदिरा को जब्त कर महुआ लहान को नष्ट कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। गौरतलब है कि विगत दिनों भी आबकारी विभाग ने उमरिया कलेक्टर के निर्देशन में कार्यवाही की थी और इन्हीं घाटों से लगभग सैकड़ों मटकों में लगभग 30 क्विंटल महुआ लहान को जब्त कर नष्ट किया था। उमरिया से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। ये की गई है कि उमराड़ नदी में महरोई के पास नाले से और टोलवा के पास नदी से सरैया के पास नदी से महरोई नदी से और उमराड़ घाट में के किनारे से कुल मिला करके तलाशी ली गई, जिसमें 90 डिब्बे महुआ लहान, एक डिब्बे में 15 केजी, इसका अर्थ सीधे हुआ कि 1350 केजी महुआ लहान बरामद किया गया और उसको मौके पर जब्त किया गया और उसको सैंपल लिए गए और सैंपल के बाद जो है उसको नष्ट कर दिया गया है और 25 लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा जो ही बरामद की गई है और आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी और ये कार्यवाही हमारी निरंतर जारी रहेगी। नहीं, कोई आरोपी मौके पे नहीं मिला है, इसलिए लावारिस प्रकरण दर्ज किए गए हैं। सर, विगत दिनों भी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में महुआ लहान को जब्त किया गया था। जी जी सर, किनके निर्देश पर कार्रवाई का अनुरोध जारी? ये कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार कार्यवाही की गया है कि अवैध मदिरा का जहाँ पर विक्रय